हमारे जो सारे विनर्स हैं उनको एक मीडिया एक्सपोजर मिले, और अगर उनको आगे इंटरनेशनल में भी जाना है आइकॉनिक के प्लेटफॉर्म के थ्रू तो उनको ये स्टेज मिले। अब हमारे साथ जुड़ गए अभी निशा जी और स्नेहा जी, तो हम एक एक विनर्स को जो बुलाएंगे, जो हमारे मेरिट कैटेगरीज है, गॉर्जियस कैटेगरी और एक्सक्लूसिव कैटेगरी के जो भी विनर्स हमारे साथ मौजूद है, आप अब उनको प्रेस के सामने लाएंगे। कैन आई हैव दीपिका ऑन द स्टेज प्लीज। दीपिका केसूर विनर है गॉर्जियस कैटेगरी में, मेरिट विमेन गॉर्जियस कैटेगरी में, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जस्ट हम लोग पहले इनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी ये विनर्स बन चुके हैं, बट अभी हम बॉम्बे में मीडिया के सामने इसको अगेन फेलिसिटेट करना चाहते हैं। जी जी जी। आज हमारे साथ में है फर्स्ट रनर अप मिसेस गॉर्जियस में, जो कि वाकई में ही गॉर्जियस हैं। और एक आपको सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये गरबा में भी गरबा किंग है, ऑलवेज फर्स्ट विनर ही रहती है, तो यहाँ पे भी आज हमारी वो फर्स्ट रनर अप है, तो मैं उनसे उनके फीलिंग्स जानना चाहूँगी। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म से जो मुझे ये स्टेज मिला है, and I'm very excited about the stage, and I'm grateful to Sneha ma'am and Nisha ma'am, Tejpal ji and Palak ji and Shahnawaz ji, who is media partner. So I'm ready to go for international level. Ye platform se mujhe 100% guarantee hai that I'll go and achieve the international level too. Yes. And I'm really excited and I'm really happy achieving this title. Thank you. देखो हमारे तो विनर्स मिस में भी है, जिसका नाम है गौरी, क्या नाम है उसका, गार्गी परासर, जो कि हाँ जो कि गुवाहाटी आसाम से हैं। और मिसिस गॉर्जियस में हमारे साथ हमारी विनर है दीपिका केशूर, तो अभी हम लोग उनके ही फीलिंग्स जानना चाहते हैं। हेलो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ, बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हूँ, मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो है आइकॉनिक पर्सनालिटी, यू नो, ये प्लेटफॉर्म का बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स नेहा मैम एंड निशा मैम का, एंड जो भी सारे पार्टनर्स है, पलक जो कि ग्रूमिंग पार्टनर है, उनके जो टिप्स और उन्होंने जो भी हमको नॉलेज दी थी, वो उससे हम एक अलग पर्सनालिटी है आज, यू नो। और थैंक यू कहना चाहूँगी शाहनवाज जी का भी, जो हमारे मीडिया पार्टनर है, और तेजपाल जी का, जो उन्होंने हमारी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स खींची है। और बस ये प्लेटफॉर्म को मुझे आगे ले जाना है इंटरनेशनल लेवल तक, तो बहुत खुशी है, अच्छा फील कर रही हूँ, एंड होपफुली नेक्स्ट टास्क है इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ले जाऊँ एंड कैसे जीतूँ इसको, सो थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, ये जब हमारी इवेंट अहमदाबाद में अभी हो चुकी है, एक लास्ट मोमेंट पे भी काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए थे, जिसकी वजह से हम लोग इवेंट और अच्छे से कर पाएँ, जिसमें मैं नाम लेना चाहूँगी रूपा जी का, रूपा डिज़ाइनर जो अहमदाबाद में है, जो ब्राइडल वेयर देती है हम लोगों को, पूजा मालवानी जो ड्रेस डिज़ाइनर थी, और हमारे पहले राउंड के जो भी ट्रेडिशनल आउटफिट थे उनकी तरफ से हमको मिले थे। सेकंड हमारे साथ धागा जुड़ गया था, जिनके आउटफिट फॉर बॉयज़ के लिए थे, जो भी काफ़ी अच्छे कॉस्ट्यूम और अच्छी शेरवानी थी, तो मैं उन सब लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। और साथ में हमारे साथ तेजपाल जी थे मीडिया की ओर से, शाहनवाज जी थे, और आलोक देसाई, जिन्होंने दिन रात एक एक लोगो डाल के ये इवेंट को कंप्लीट किया है, तो स्पेशली थैंक्स मैं आलोक देसाई को भी बोलूंगी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। और काफ़ी जैसे कि कंचना हमारे साथ जुड़ गया था, कंचना डिज़ाइनर स्टूडियो, तो है सारे, बट अभी तो इतना सब मुँह पे याद नहीं आ रहा है, बट ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर ये इवेंट सक्सेस करने के लिए। हमारे साथ में देखो, हम लोग ने मिस और मिसिस में भी तीन कैटेगरी किया था, तो एक था हमारा 50+, बट अभी हमारे साथ जो खड़े हैं वो एक्सक्लूसिव कैटेगरी से है, जो 60+ में उसने पार्टिसिपेट किया था, तो पहले तो मैं इसके लिए क्लैपिंग करूँगी।
और अभी आप खुद ही बताइए कि आपको 60+ के बाद आने के बाद आपको ये जो प्लेटफॉर्म मिला, तो अभी ये प्लेटफॉर्म का आप कैसे यूज़ करेंगे? आई वुड रियली थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजर्स, निशा मैडम, स्नेहा जी एंड ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मिस मिस्टर एंड मिसेस 2019 आइकॉनिक पर्सनैलिटी. इट वॉज अ रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ ग्रेट कॉन्फिडेंस लेवल एंड आई रियली फील गुड. पलक वॉज देयर फॉर अ ग्रूमिंग पार्टनर. शी ग्रूम्ड अस सो वेल. तेजपाल सिंह, शाहनवाज जी, ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स वर रियली सो गुड एंड वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इन अहमदाबाद. अभी रिसेंटली हमारा 23 सितंबर को अहमदाबाद नारायणी हाइट्स में मिस्टर, मिस एंड मिसेस इंडिया आइकॉनिक पर्सनालिटी 2019 का हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके साथ हम लोगों ने नारी रत्न अवार्ड भी ऑर्गेनाइज किया था. सो बहुत सक्सेसफुली वो कंप्लीट किया है हमने आज, और हमें बहुत खुशी होती है कि जहाँ पे हमारा नारी रत्न अवार्ड का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें 5 लेडीज़ को हम लोग ने सिलेक्ट किया था और सब अपने अलग अलग कैटेगरी से थे. जैसे कि कोई एक्ट्रेस थे, कोई स्पोर्ट्स में आगे थी, कोई सिंगिंग में आगे थी. तो सारे लोगों को वहाँ के जो मिस्टर विजय भाई रूपानी, जो अपने CM हैं, उनकी वाइफ मिसेस अंजलिबेन विजय भाई रूपानी आए थे, जिनके हाथ से हम लोगों ने सब लोगों को नारी रत्न अवार्ड एनायत किया. और उसके बाद हमारा साथ में था ये सेव वाटर सेव लाइफ, तो उसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे प्लेटफॉर्म से पूरा कैंपेन किया है. और हमारे साथ साथ में MLA हितू भाई कनोड़िया भी जुड़ गए थे. तो वो सारे एक अच्छी इवेंट हमारी अभी कंप्लीट हो गई है. और साथ साथ में हमने ब्यूटी पेजेंट जो किया था, जिसमें मिस तो होते ही है, मिस एंड मिस्टर, बट साथ में मिसिस लोगों को भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट करवाया था कैटेगरी के साथ. और हाँ, और वो भी अलग अलग कैटेगरी के साथ. हम लोगों ने 3 कैटेगरी रखा था, जैसे कि मिस 24 to 35, 35 to 50 एंड 50+, यानी मिस, मिसिस गॉर्जियस एंड मिसिस एक्सक्लूसिव. तो वैसे 3 कैटेगरी रख के हमने किया था, तो आगे भी हम लोग ऐसे ही करना चाहेंगे. और यहाँ पे आज हम लोग अगेन विनर्स की बाइट लेंगे और विनर्स का भी हम लोग जानेंगे कि वो लोगों को भी ये क्राउन लेके कैसा फील हो रहा है. अहमदाबाद में रखने का रीज़न हमारा एक ही था कि बॉम्बे में तो बहुत सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं, तो हमने सोचा कि वही पैन इंडिया पूरा हम लोग गुजरात में जाके करें. और जबकि हमारे यहाँ के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी है, जो अहमदाबाद गुजरात से है, तो वो भी थोड़ा हम लोग एक भाव में आके भी वहाँ पे हम लोगों ने ये, वहाँ पे था पूरा पैन इंडिया जुड़ा हुआ था, बट वो एक भाव के साथ हम लोग ने गुजरात में किया कि गुजरात के बच्चों को यहाँ पे बॉम्बे आके प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ता है. तो हम लोग पूरा बम्बई का प्लेटफॉर्म वहाँ पे उठा के गए, जहाँ से कि गुवाहाटी से, आसाम से, कटक से, हैदराबाद से, बॉम्बे में काफ़ी पार्टिसिपेट थे और ऑलरेडी गुजरात के तो थे ही, जेतपुर और अहमदाबाद के, तो इसीलिए हमने अहमदाबाद चुना. एक्चुअली नारी रत्न का मोटिवेशन मुझे बहुत टाइम से था, बिकॉज आई एम ऑल्सो 50+. तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग जब फैमिली को तो संभालते ही हैं, कोई भी एक स्त्री हो, लेडीज़ हो, गर्ल्स हो, उनका एक वन साइडेड तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता ही है अपने घर को संभालने का. बट वो घर को संभालते संभालते वो सोसाइटी के लिए अगर कुछ अपना योगदान देती है, तो उसको हम लोग एंकरेज करेंगे, तो आगे भी नारियाँ ये सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख के अपना फैमिली के साथ सोशल के लिए भी कुछ आगे काम करेगी. तो वो एक अच्छे इंटेंशन के साथ हम लोगों ने नारी रत्न अवार्ड किया था. हम लोग दोनों ऑर्गेनाइज़र थे, मैं और स्नेहा गगोई, तो थोड़ा बहुत मेरे साथ स्नेहा जी भी बात शेयर करेगी. जी, आइकॉनिक एक अलग लेवल का मतलब प्लेटफॉर्म होती है. मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, ऐसे बहुत सारे सोर्स होते हैं जिसका क्या आगे आइकॉनिक नहीं होते हैं. तो हम लोग ने आइकॉनिक बहुत सोच समझ के ये एक ब्रांड बनाया हमने, और इसको हमने ट्रेडमार्क लिया अच्छे लेवल पे, और इसको आइकॉनिक लेवल के आइकॉनिक ब्यूटी ढूंढने के लिए ये हमने टाइटल छोना. एक्चुअली आइकॉनिक जो है तो ब्यूटी, मिस ब्यूटीफुल, मिस पर्सनैलिटी, ये सब तो होता ही है, मिस इंडिया, फेमिनिन मिस इंडिया एंड ऑल. तो आइकॉनिक बहुत कम लोग मतलब होते हैं, जैसे बड़े पुराना फिल्म इंडस्ट्री के, जैसे सिंगर हो गया किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर, जैसे अभी आशा परेख हो, जिनो टमन हो, परवीन बाबी, तो ये लोग एक आइकॉनिक है.
सो हम लोग ने उन लोगों को ध्यान में रखते हुए आइकॉनिक चुना। अलग अलग सिटी में जाके हम लोग ने टैलेंट ढूंढे, अलग अलग सिटी से कंटेस्टेंट आया बहुत सारे, तो ये नेशनल लेवल पे हम लोग ने शो किया। किया तो हमने अहमदाबाद में, बट शो था नेशनल लेवल का, इंडिया लेवल का शो था। तो हम लोग ने अहमदाबाद में इसलिए सुना, मोदी जी भी है, हम उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे हम भी किसी से कम नहीं है, हम नारी है। आप अभी हम नारी रत्न अवार्ड दे रहे हैं, नारी को आगे, मतलब नारी एक रत्न होती है, माता होती है, भारत माता तो माता ही होती है ना, नारी भी माता ही, मतलब भारत होती है, उसी भारत में सब लोग रह रहे जी रहे, तो इसी को रखते हुए हम लोग नारी रत्न अवार्ड रखा। तो मोदी जी को भी अच्छा लगा होगा, उन्होंने न्यूज़ हमारे देखे या नहीं देखे आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा हमने ये मोटिवेट लिया था नारी रत्न, और अच्छे न्यूज़ चैनल पे भी ये गया है, गुजराती चैनल पे, तो उन्होंने निश्चय दिखा होगा ये। बस अभी आगे हम लोग यही चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोग नारी रत्न अवार्ड भी आगे बढ़ाएं, और मिस तो होएगा ही, बट साथ में हम मिसेस में भी कैटेगरी में आगे बढ़ें। नवंबर लास्ट को भी हमने एक शो का सोचा अभी अवार्ड के लिए, आइकॉनिक अवार्ड के लिए सोचा, जैसे हमने नारी रत्न तो दे दिया, तो आइकॉनिक का अवार्ड अभी बाकी है। तो मिस्टर एंड मिस 2019 का तो ऑलरेडी हम कर चुके, तो इस साल तो हम नहीं कर सकते, सो 2020 में हम लोग को ये करना होगा, दिल्ली में हम करेंगे ये शो, और ऑलरेडी सब कुछ बातचीत हो गया दिल्ली में भी हमारे, और तेलोसुका में करेंगे ये शो, हमने मैंने ऑलरेडी प्लेस देख के भी आए, और अभी लास्ट नवंबर को करेंगे आइकॉनिक अवार्ड, और उसमें एक फैशन शो भी होगा। ये दिल्ली में होगा? नहीं नहीं, मुंबई में होगा, मुंबई में करेंगे। यानी अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में करेंगे, जैसे कि अभी हमारा बॉम्बे में भी प्लान है, दिल्ली में प्लान है, आसाम में प्लान है, दुबई में प्लान है, बट वो बैक टू बैक हर जगह पे हम लोग करेंगे। बट बस एक अच्छी सी शुरुआत हो गई है, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ गए पैन इंडिया से, तो बस हम लोगों को अच्छा सा सबका सपोर्ट मिल रहा है, और बस चल रहे। बहुत अच्छा मिला। एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस रहा अच्छा, मतलब कैसे करना है कैसे नहीं करना है, मतलब इंडिविजुअल तो हम पहले करते ही थे, अभी पार्टनरशिप में जुड़े हैं, तो पार्टनरशिप में करने का एक्सपीरियंस मिला हम लोग को। अच्छा हुआ रिस्पॉन्स हम लोगों को बहुत अच्छा मिला, क्योंकि देखो एक बॉम्बे में काम करना, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वो इजी जॉब होता हो जाता है, बिकॉज क्योंकि वो हमारा होम टाउन रहता है, बट एक अलग सिटी में जाके पूरा एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना और लोगों को जुड़ना, वो थोड़ा टफ हो जाता है, बट उसमें भी हम लोग जीत गए। सो मैं और स्नेहा जी बहुत हैप्पी है, और हम लोगों ने बहुत सक्सेस, थोड़ा डिफिकल्ट तो था, बट मैंने और स्नेहा जी ने मिलकर अच्छे सक्सेसफुली ये कंप्लीट किया, और ये जब कंप्लीट किया तो हमारे साथ काफ़ी टीम भी जुड़ी हुई थी, जो सबका ये इसमें बहुत बड़ा हाथ है, कि जिनकी वजह से आज हम लोग दोनों यहाँ पे बैठे हैं। पलक जी आप बताइए। जी हेलो, हाय, आई एम पलक रवेशिया, आई हैव एसोसिएटेड विद आइकॉनिक पर्सनालिटी इवेंट्स एज अ ग्रूमिंग पार्टनर। कंटेस्टेंट्स आते हैं पैन इंडिया से, सो उनको मतलब दे आर बेस्ट इन देयर ओन वे, बट उनको ग्रूम करके पॉलिश करके स्टेज पे लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी मुझे आइकॉनिक के ऑर्गेनाइजर्स ने दी कि आप आइए हमारे साथ एसोसिएट होइए और हमारे कंटेस्टेंट्स को ग्रूम कीजिए। सो आई वॉज एसोसिएटेड एज अ ग्रूमिंग पार्टनर ओवर देयर। आई वॉज रियली हैप्पी एंड ओब्लाइज्ड, बिकॉज ये सिर्फ ब्यूटी पैजेंट नहीं था जहाँ पे सारे जो मैरिड वुमेन्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिला, बट ये उसके साथ जुड़ा हुआ था नारी रत्न अवार्ड्स। दैट वॉज सो ब्लिसफुल एंड अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस, जो ये आइकॉनिक ने एक प्लेटफॉर्म दिया है गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की जो लेडीज़ जो नारी है उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि अपना जो भी वो सोशल वर्कर है, जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं, उनको एक रिकग्निशन और फेलिसिटेशन दिया है। तो इनके थ्रू, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको और रिकोगनीशन मिला, मतलब ऑलरेडी दे हैव बिन रिकोगनाइज बाई अदर, बट आइकॉनिक हैज़ गिवन प्लेटफॉर्म टू दैम। सो आई वॉज रियली हैप्पी फॉर इट, एंड ब्लिसफुल पार्ट वॉज कि सीएम के वाइफ हैं अंजलि बेन रूपानी, वो वहाँ पर मौजूद थी, उनके हाथों से नारी रत्न का अवार्ड दिया गया, सबको उनको सम्मान
सम्मानित किया गया, प्लस वहाँ के एक MLA थे हितू भाई कनोड़िया, ही इज़ अ रिस्पेक्टेड MLA ओवर देयर, उनकी हाजिरी में ये सारा फंक्शन हुआ। सो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सिर्फ ग्लैम इंडस्ट्री ही नहीं बट पॉलिटिकल इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, गुजरात टूरिज्म वगैरह जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सारा इवेंट बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल हुआ। जी, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं सर्च सलोन इंडिया से हूँ और मैं डे वन से आइकॉनिक पर्सनैलिटी के साथ में जुड़ा हूँ। स्नेहा जी और निशा जी ने मुझे साथ में जोड़ा है, मैं एक ई मीडिया पार्टनर के हिसाब से जुड़ा हूँ। तो जितना भी ई मीडिया के लिए डिज़ाइनिंग पूरा बनता है और पूरा ई मीडिया में जाता है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और मीडिया में, प्रमोशन सोशल मीडिया में, वो सारा हम करते थे। और 3 दिन इनके साथ में जुड़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्रूमिंग पार्टनर पलक के साथ भी मैंने असिस्टेंस किया, और जो भी ग्रूमिंग पार्टनर्स थे और जो कोरियोग्राफी थे कर रहे थे उनके साथ में उनको पूरे कंटेस्टेंट्स को हेल्प करवाया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स खुश होकर गए हैं और जजमेंट भी बहुत फेयर हुआ था, सभी को बराबर न्याय मिला इसके अंदर। और अभी जो आगे का इनका प्रोग्राम है आइकॉनिक का, इनके साथ में जुड़ता रहूँगा मैं हमेशा के लिए, और अभी नेशनल्स होने के बाद में इंटरनेशनल्स के लिए भी ट्राई करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे आइकॉनिक को। मुझे लगता है इसी साल में 2020 में होना चाहिए कि हम बाली या दुबई में अगला इवेंट करें। तो सारे लोगों को, जितने भी हमारे साथ पार्टनर्स जुड़े थे, जैसे मिस्टर तेज हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी की, रौनक हैं और पलक जी, इन्होंने इतनी अच्छी ग्रूमिंग की, तो जो फर्स्ट डे कॉन्टेस्टेंट आए थे तो उनको चलने भी नहीं आ रहा था, कुछ लोगों को मीन्स हिसाब से चलने नहीं आ रहा था, सिलेक्ट तो होकर आ गए थे ऑडिशन से, लेकिन जैसे एक प्लेटफॉर्म पे चलना चाहिए जो बारीकियां होती वो सारी इनको सिखाई गई। तो थर्ड डे में जो बॉयज़ भी थे, आप अगर देखते तो आप बोलते कि वाह, पहले दिन में और तीसरे दिन में कितना फ़र्क है, बहुत अच्छा काम किया सारी टीम ने, थैंक यू वेरी मच आइकॉनिक पर्सनैलिटी इवेंट्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं भी नेशनल और इंटरनेशनल जाके आ चुकी हूँ, सो मैं बहुत, मेरे दिल से इच्छा है कि जो कंटेस्टेंट, जो विनर्स हुए हैं, वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी जाए, और आइकॉनिक से हमारी बात भी हुई थी कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे अपने विनर्स के लिए, तो वो गुड न्यूज़ तो बहुत जल्दी आ जाएगी मीडिया में। एंड येस, वी हैव एन अमेजिंग टीम, तेज है, शाहनवाज जी है, स्नेहा जी और निशा जी तो है ही, तो उनके साथ हमें मिलकर ये काम करेगा, तो डेफिनेटली आई विल बी ऑल्सो एसोसिएट with iconic as long as the iconic is there, I will be there. हमारी केमिस्ट्री अच्छी मैच हो चुकी है जी बिल्कुल। तो यही एक चीज है कि आप जब एक नई चीज की शुरुआत करते हैं कुछ, तो अड़चने तो आती है, बट अड़चन को पार करके एक सक्सेसफुल इवेंट करना आज के टाइम पे इजी नहीं है, बट वो हम लोगों ने करके दिखाया। 3 दिन की मेहनत सिर्फ नहीं थी, 6 महीने की इन लोगों की मेहनत थी, सो मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आपने जो भी किया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। एक और चीज है, सो सारे कंटेस्टेंट एंड विनर्स जो ऑलरेडी निशा जी और स्नेहा जी बोल चुकी हैं, टाइटल्स कम विथ एन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबटाइटल हो या क्राउन हो, सारी चीजें जिसके लिए आपको सम्मानित किया गया है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। सो मैं विनर्स और सबको यही बोलना चाहूँगी, जिनको सबटाइटल्स भी मिला है, प्लीज़ गो अहेड विथ वॉट एवर यू आर बेस्ट इन एंड रिस्पेक्ट योर सबटाइटल्स एंड क्राउन्स एंड यू विल विन द लाइफ। थैंक यू। मैं एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, माय नेम इज़ तेजपाल सिंह नागी, आई हैव बीन मोस्ट ऑफ द ब्यूटी पैजेंट्स और मैं रहा हूँ, आई हैव हेडेड ऑल्सो, बट व्हेन निशा जी एंड स्नेहा जी जब हमसे मिले और मेरे को बोला कि ये वाला एक हमारा ये एक नया प्लान है, सो आई रियली वॉन्टेड टू कम फॉर दिस, और जब मैं उतर जाके देखा तो इट वॉज नॉट मॉडल्स, देवर वाइफ, देवर यू नो, दे वर एल्डरली लेडीज हु वर पार्टिसिपेटिंग इन दैट, और वो सीरियसली इतना अच्छा लगा उसको कवर करके, तो मेरी टीम ने उसको पूरा कवर किया, मैंने वो लोग का पोर्टफोलियोज बनाए, एंड जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही कंटेस्टेंट्स ने पूरा का पूरा किया है, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट पीपल हु हैव वन एंड गॉट ऑल द अवार्ड्स, आई एम रियली हैप्पी फॉर देम। मैं कौशिक देसाई हूँ, निशा का हस्बैंड हूँ। एक्चुअली मैं इस लाइन में, मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, आई एम फ्रॉम कैपिटल मार्केट, मैं स्टॉक एक्सचेंज में मेरा एक्टिविटी रहता है। तो मेरी वाइफ जो है वो सी इज़ ए ब्राइडल ब्यूटिशियन बाय प्रोफेशन सिंस लास्ट 30 इयर्स, और सी एस एफ जैसी ब्यूटी पेजेंट या इवेंट्स होती है उसमें सी इज़ नॉर्मली स्पॉन्सरिंग हर मेकअप,
मेकअप टीम में वो करती है, तो वो देख के उसको इच्छा हुआ कि क्यों ना हम एक और इवेंट ऐसे ही खुद की करें जिसमें अपार्ट फ्रॉम ब्यूटी पेजेंट विच इज़ अ नॉर्मल बीइंग डन बाय एवरीवेयर, तो उससे कुछ हटके और किसी पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन लेडीज़ की वो जो समाज में काम करती है उसका एक और चैप्टर इसमें ऐड करे, तो उन्होंने एक डिज़ाइन किया नारी रत्न अवॉर्ड करके, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कुछ हटके ये लोग सोच रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ उनकी जो भी फ्रेंड है और अभी पार्टनर भी हो गई स्नेहा जी भी जुड़ गई, और उन्होंने सोचा कि ये हम गुजरात में करें क्योंकि मुंबई में वैसे भी बहुत होती है ज़्यादा, और गुजरात के लड़के या लड़की को मुंबई आना जाना और एक्सपोजर मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वहाँ जाके उनको प्लेटफॉर्म दे। तो ये सब नोवेल आइडियाज़ की वजह से मैंने उनको सपोर्ट किया, सपोर्ट मीन्स मॉरल सपोर्ट, तो वो उस तरह से मैं उसमें उनके साथ जुड़ गया। और सबसे अच्छी बात इसमें ये हुई कि जो पूरी टीम बनी, जैसे तेजपाल जी है, शाहनवाज जी है, और ये पलक है, और भी बहुत है। और एक और जिक्र करना चाहूँगा कि मेरा सन जो है आलोक, वो इसमें डिज़ाइन पार्टनर की हैसियत से मतलब घर का काज समझ के काम कर रहा था, उसने बहुत ही रात दिन पूरी मेहनत की है, रात को दो दो तीन तीन बजे भी उसने जो जो कैंपेनिंग के लिए मटेरियल चाहिए था वो सब वो खुद करता था, अपना खुद का प्रोफेशन को सेक्रीफाइस करके। तो ये पूरी टीम एक फैमिली, जैसे पलक भी हमारी वैसे फैमिली मेम्बर है, तो पलक और आलोक तो फैमिली मेम्बर है ही, लेकिन ये तेजपाल जी, शाहनवाज जी भी हमारे फैमिली मेम्बर बन गए। तो मैं भी उनके साथ तीन दिन रहा तो मुझे भी बहुत मज़ा आया कि ऐसा लगा कि खाली ये दो फैमिली मेम्बर नहीं है, पूरा फैमिली यहाँ इकट्ठा हो गया है, तो वी रियली एन्जॉयड दैट्स इट। थैंक यू।